दोस्तों आज हम सोल लैंड के आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंजल टेंपल का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एंजल गॉड्स के मूर्तियां बाहर आते हैं, जिन्हें क्वीन रेंगसू भी देख करके सोचती हैं कि आखिर में यह क्या है। तभी वो देखती है कि उनमें से एक मूर्ति में क्वीन डॉलुओ चैन से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से क्वीन रेंगसू परेशान होने लगते हैं। तभी वहां पर एंजल गॉड की आवाज आती है, जो कहती है कि क्वीन रेंगसू तुम्हें मेरी सवालों का जवाब देना होगा। तब वो पूछते हैं कि आखिर में किस तरह का सवाल। तब एंजल गॉड उसे पूछती है, क्या क्वीन डॉलुओ ने कोई गलती की है। यह सुनकर क्वीन नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह का क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। तब एंजल गॉड कहती है, तुम सोचती हो कि क्वीन डॉलुओ ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। यह सुनकर के क्वीन रेंगसू कहती है कि कुछ नहीं करना भी एक गलती हो सकती है, आखिर में इसका मतलब क्या है। इसके बाद अचानक से क्वीन रेंगसू को सब कुछ दिखाई देने लगता है, जिस दिन उसके फादर ने टैंगशन के पेरेंट्स पर अटैक किया था और उसकी वजह से टैंगशन की मां मारी गई थी। इसके बाद क्वीन रेंगसू बाकी की चीजों को देख करके कहती हैं, अच्छा आपका मतलब है कि मेरा ग्रैंडपा ने यह सब कुछ होने दिया, यही उनकी गलती है और इस तरह से उन्होंने बुराई के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद क्वीन रेंगसू एंजल गॉड से कहती हैं कि हो सकता है कि मेरे ग्रैंडपा ने यह सब कुछ होने दिया हो, लेकिन फिर भी वो यह सब कुछ एंजल ट्राइब के ओनर के लिए किया है और साथ में एंजल गॉड के ओवनर के लिए भी। इस पर एंजल गॉड कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे ओनर चाहिए, वो तो सिर्फ पुरानी सोच को मुझे जोड़ करके बस तुम्हें देना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता है कि यह एकदम सेल्फिश नेचर है। यह सुनकर के थोड़ी देर के लिए क्वीन रेंगसू हैरान हो जाती है, जिसके बाद एंजल गॉड बताती है कि अच्छाई और बुराई ठीक वैसे ही है जैसे कि सुंदरता और बदसूरत एक दूसरे की अपोजिट होती है, लेकिन फिर भी यह सब कुछ एक झटके में बदल सकता है, इसलिए तुम्हें अपना जवाब देते समय केयरफुल होना होगा। यह सुनकर के क्वीन रेंगसू पूछती है कि आखिर में अच्छाई क्या है और क्राइम क्या है, क्योंकि मेरा डिसीजन भी अच्छे या बुरे दांतों पर हो सकते हैं, तो फिर आप कैसे किसी को सबसे एयर पनिशमेंट दे सकती है। तभी हम देखते हैं कि एंजल गॉड की सेक्रेट स्वॉर्ड चमकने लगती है, जिस पर क्वीन रेंगसू कहती है कि अगर इसमें मेरी ग्रैंडपा की गलती है तो क्या उन्हें हमेशा के लिए ट्रेनिंग में टॉर्चर करेंगी। इसके बाद क्वीन रेंगसू परेशान होते हुए कहती है कि अगर मैं ग्रैंडपा को इनोसेंट कहते हो तो मैं एग्जाम को पास नहीं कर पाऊंगी, जिस पर एंजल गॉड उसे पूछती है कि क्या तुमने अपना आंसर चुन लिया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एंजल गॉड की बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म अपीयर होती है, जो क्वीन रेंगसू से पूछती है कि आखिर में क्या तुम्हारे ग्रैंडपा की गलती है। तभी क्वीन डॉलुओ उसे कहते हैं, क्वीन रेंगसू अगर तुम गॉड बनती हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। इस पर हम देखते हैं कि क्वीन रेंगसू थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि हो सकता है आप कई सारे लोग के लिए गलत हो और कुछ ना करके आपने कोई गलती भी की हो। तभी इन्हीं बीच एंजल गॉड कहती है कि अब समय हो गया है कि तुम अपने आंसर का चुनाव कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन रेंगसू के सामने एंजल गॉड की एक तेज लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से उसके सामने एंजल गॉड के सेक्रेट स्वॉर्ड आ जाती है। तब हम देखते हैं कि क्वीन रेंगसू सेक्रेट स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, जिस पर एंजल गॉड उसे कहती है कि अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्वीन डॉलुओ को मार दोगे या फिर छोड़ दोगी। यहाँ पर तुम कुछ ना करके ही तलवार को जाने दोगी। इस पर क्वीन रेंगसू कहती है कि आखिर में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी टैंगशन जिंदा है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ मेरे ग्रैंडपा की लाइफ और डेथ का सवाल क्यों हो रहा है। इस पर एंजल गॉड कहती है कि इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम हार मान जाओगी। ये सुनकर के क्वीन डॉलुओ कहता है, क्वीन रेंगसू तुम्हें एंजल गॉड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्वीन रेंगसू कहती है कि ग्रैंडपा केवल आप ही मेरे फैमिली हो, इसलिए मैं आपको नहीं मार सकती हूँ। इसके बाद वो एंजल गॉड से कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप हमेशा अच्छे डिसीजन लेती है, लेकिन मेरे ख्याल से इस एग्जाम का टॉपिक ही एनपेयर है। यह सुनकर के क्वीन डॉलुओ कहता है कि अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेती हो तो तुम जब 9th एग्जाम में पहुंच जाओगी और यह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुम एंजल गॉड बन जाओ। इस पर हम देखते हैं कि क्वीन रेंगसू तलवार पकड़ के आगे बढ़ती है और क्वीन डॉलुओ को चैन से काटते हुए कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा की गलती यही है कि उन्होंने मेरी फादर को हाउशन सेक्ट को दबा करने दिया, जिसकी वजह से हाउशन सेक्ट सालों तक बंद रहा। वहीं उन्होंने बिबडोंग को चारों तरफ लड़ाई करने दी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं रहा। इसलिए अगर मैं गॉड बनाने के लिए अपने सारे फीलिंग्स को मार देती हूँ और गॉड बनती हूँ
तब यह रास्ता मुझे अकेला ही तय करना होगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गॉड बनती हूँ या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन रेंगसु अपनी एक अटैक में एंजल गॉड की दो मूर्तियों को दबा कर देती है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जेलिंग गेट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिबडोंग के सारे लोग जंग के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए वह लोग अपने सारे हथियारों को रिलोड कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं कि हुलिना भी जंग के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के टियांडो एम्पायर के आर्मी पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उनके सारे आर्मी अब जेलिंग गेट की एकदम सामने आ गई है। वही टैंक्शन और श्वू भी आर्मी के साथ में आगे आ रहे होते हैं, और ऐसा करते हुए श्रेक डेविल्स के बाकी टीम भी आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर सुबैंग भी अपनी सेना को देखने के लिए साथ में आए होते हैं। तब टैंक्शन अपनी ट्राइडेंट के साथ में आगे जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांडो एम्पायर के पूरी आर्मी लड़ने के लिए तैयार होती है। वही टियांडो एम्पायर के कॉन्फिडेंट को देख करके हुलिना गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद हमारा एपिसोड ही पर कंप्लीट हो जाता है।